दिल्ली बहुत बुरी तरह टूट गई है। दिल्ली में सभी रिश्ते टूट गए, दिल्ली में सभी मर्यादाएं टूट गई, दिल्ली में इंसान नहीं मरे बल्कि इंसानियत मरी है। और अब इस इंसानियत को जिंदा करने के लिए भी इंसानों को ही आगे आना होगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी रोज उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती है जिनको आज हमारी जरूरत है। आज हम धर्म की नहीं बल्कि मानवता की सेवा के लिए निकले हैं। हम रोज गुरुद्वारे में धर्म की सेवा भी करते हैं, लेकिन आज हमारा ये फर्ज बनता है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, हम उनके घरों तक पहुंच रहे हैं, उनको लंगर छकाने का काम कर रहे हैं, उनको दवाई उनके मरम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं जो ये हमारी मर्यादा, जो ये हमारे रिश्ते टूटे हैं, वो किसी तरीके जुड़े। इसलिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी अपनी सारी टीम के साथ, कल भी हमने 10,000 लोगों के लिए लंगर का इंतजाम किया था, आज भी हम अलग अलग इलाकों में 10,000 लोगों के लिए लंगर लेके आए हैं, और ये तब तक रहेगा। दिल्ली सरकार ने इसकी मांग की और तब तक हम इसको चालू रखेंगे जब तक दिल्ली के लोगों को इसकी जरूरत रहेगी। ये लंगर आज किस इलाके में लगाया गया, कितने लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा? ये जो है गोंडा के अंदर है, जफराबाद के अंदर जा रहा है, और चांदबाग के जहाँ भी इसकी जरूरत पड़ रही है, कृष्णा नगरी में एक मंदिर के बाहर है, जहाँ भी इसकी जरूरत पड़ रही है हम वहाँ पहुँचाने के। सर, दिल्ली के अंदर भाईचारे से लोग रहते आए हैं, सभी धर्मों के लोग, लेकिन आज जो दिल्ली के अंदर हुआ, जैसा अभी 2-4 दिन पहले हुआ, उसके लिए राजनीति को एक जिम्मेदार माना जाएगा, क्योंकि देखिए बिल्कुल और कोई जिम्मेवार नहीं बल्कि राजनीति ही जिम्मेवार है। और ये 2 महीने पहले जो आग लगनी शुरू हुई, जिन लोगों ने उस आग के अंदर घी डालने का काम किया, तेल डालने का काम किया, बजाय उसके कि पानी डालता, किसी ने पानी नहीं डाला बल्कि घी और तेल और मिट्टी का तेल डालने तक का काम किया। यही कारण है कि वो सब जो चीज़ें थी वो इकट्ठी होके और एक दिन इस तरह से गुबार फूटा, जिसके कारण 3 दर्जन से ज़्यादा हमारी बहुत ही बेशकीमती जाने चली गई। हम इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि ये 2 महीने पहले जो ये दिल्ली के अंदर आग लगनी शुरू हुई थी, काश सभी ने मिलकर तब पानी डाला होता। सर, राजनीति के बयानों को जिस तरीके से आग लगी है, क्या अब उन्हीं राजनीतिक बयानों को मरम की तरह से नहीं आगे आना चाहिए? मरम कोई हाथ तो रहा नहीं है, हमें तो इसी बात का अफसोस है। और मुझे लगता है कि सभी धर्म गुरुओं को, सभी धर्मों के गुरुओं को आगे आना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए अपने घरों से। जो हम लोगों को ज्ञान देते हैं धर्म का, आज धर्म के ज्ञान से ज़्यादा मानवता के ज्ञान की जरूरत है। बाहर आए और अपने धर्मों के लोगों को संबोधित करते हुए कहें, आओ एक दूसरे के गले मिलें, और ये जो नफरत की हमने आग भी पोछ दिया है, जो नफरत की आग हमने जला रखी है, इसको खत्म करें। सर, जो 2 पार्टियां दिल्ली के अंदर बड़ी हैं, जो देखिए मैं किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि इस जल्दी आग के अंदर में और आग में अंदर घी का काम नहीं करना चाहता। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जिन्होंने गलती की है वो अपनी गलती को महसूस करें, आगे कदम बढ़ाएं और दिल्ली को गले लगाएं, दिल्ली के लोगों को गले लगाएं। तुसी अगर हाउसवाइफ हो या ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन में हो, तो तुहाडे लई साडे कोल एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अबैकस चैंपियन अकैडमी कोई भी रॉयल्टी चार्ज नहीं करती, तो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट विच ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਅਬੈਕਸ ਚੈਂਪਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰ ਮੰਥ ਮਿਨੀਮਮ 25-40,000 ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।